बजट के बाद अब पूरे देश की नजरें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। पॉलिसी आने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में आरबीआई ये तय करता है कि वो किस दरों पर बैंक को लोन देगा और बैंक किस दर पर अपने पास जमा धनराशि रिजर्व बैंक के पास जमा कराएंगे। इस बैठक के बाद भी पता चलता है कि आपका होम लोन उतना ही रहेगा या फिर सस्ता या महंगा हो जाएगा। कर्ज सस्ता होने का सीधा इम्पैक्ट आपकी ईएमआई पर पड़ता है। आरबीआई ने पिछली तीन पॉलिसीज में भी ब्याज दरों में कोई खास बदलाव नहीं किया। अभी रेपो रेट 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो 3% है। माना यह जा रहा है कि इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में रेट्स में बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर है। इसके पीछे बड़ी वजह महंगाई दर भी है। आरबीआई का महंगाई दर को 4.5% रखने का टारगेट है। अक्टूबर नवंबर में महंगाई दर 6% के आंकड़े को पार कर गई थी। हालांकि दिसंबर में महंगाई दर फिर से 4.59% हो गई। ये करीब करीब आरबीआई के लक्ष्य से मामूली सी ज्यादा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी एमपीसी दरों में कटौती से बच सकती है। इसका मतलब ये भी है कि दरों में बढ़ोतरी होगी। कोरोना के इस माहौल में दरों में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होगी, यानी इस बार एमपीसी दरों में जस की तस बनाए रख सकती है। अब आपको समझा देते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई एसबीआई समेत दूसरे बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जो आरबीआई बैंकों को ब्याज के तौर पर देता है, क्योंकि एक मोटा अमाउंट बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। इन दो दरों के बाद कैश रिजर्व रेशियो का अहम रोल है। ये सीधे तौर पर ग्राहकों की ईएमआई से जुड़ी है। बैंकों को कुल कैश रिजर्व का एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा बड़ी रकम रिजर्व बैंक में रखनी होगी। इससे बैंक कर्ज कम बांट पाएंगे। आज के आर्थिक माहौल को देखते हुए ये माना जा सकता है कि आरबीआई दरों में बढ़ोतरी तो बिल्कुल नहीं करेगी, साथ ही साथ कटौती की गुंजाइश भी काफी कम है।